वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ एक्सेल फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डेटा एंट्री, इंसर्ट डिलीट, रोज कॉलम्स और सेल्स के लिए, मिनी टूल बार, अंडू रीडू। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रहा हूँ। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट सेक्शन। इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम कमांड्स यूज़ करना शुरू करते हैं या किस तरीके से हमारे को जो बेसिक फंक्शनैलिटी है एक्सेल की यूज़ करना शुरू करेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले कुछ एक रफ डेटा बना लेता हूँ। मैं इसको बनाता हूँ अपना सेल्स का। नीचे राइट साइड पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको जूम का ऑप्शन आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमारे को लिमिटेड डेटा पे ही काम करना है। तो सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट, ये मैं तीन सेल्स में डेटा फीड कर रहा हूँ और ये मैं टाइप कर रहा हूँ, तो ये मेरा डेटा है, नंबर्स नहीं है। और सेल्स के आगे मैं 6 महीने के लिए कुछ भी एग्जांपल लिख देता हूँ, 100, 110, 120, 130, 140, 150। मैंने 6 महीने का डेटा लिख दिया। और कॉस्ट मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ाता कम करता चलता हूँ, 90, 80, 70, 60, 60, 60। ये मैंने एक सिर्फ सैम्पल डेटा तैयार करा है। मैं कोशिश करूँगा शीट को आपको नीचे भी दे दूँ, अदरवाइज आप खुद भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे को इसमें यहाँ पे ऐड करना हो, मेरे को याद आया सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और मेरे को कुछ और भी इसमें एक्सपेंसेस ऐड करने थे और मैं इसके अंदर अब नीचे इस रो को नीचे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को करना क्या है? इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंट्यूटिवली क्या जाएगा कि ये होम के बाद इंसर्ट है। क्या इंसर्ट में मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि मैं एक रो ऐड कर सकूं? नहीं। तो इंसर्ट में मेरे को ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि ये होम में आता है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें जो हर किसी को यूज़ करनी ही करनी है, वो माइक्रोसॉफ्ट ने होम में डाल दिया। आप होम में देखोगे सेल्स के अंदर ये ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का। इस इंसर्ट पर मैं जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट, रोज कॉलम और इंसर्ट शीट। तो मैं इसमें अगर रोज पे क्लिक कर देता हूँ, तो इस पे आप देखोगे जब मैंने इंसर्ट करा तो मेरी ये रो इंसर्ट हो गई। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसको डिलीट करना हो तो मैं इस रो को यहाँ पे सिलेक्ट करके और इंसर्ट के साथ डिलीट पे जाके और डिलीट शीट रोज पे क्लिक कर सकता हूँ। तो आपको कभी भी ऐड करना हो तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है आपको जहाँ पे रो ऐड करनी है, आप उस रो को सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गया इंसर्ट। जब आप इंसर्ट करोगे तो रो इंसर्ट हो गई। ऐसे ही डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करो इस रो को सिलेक्ट करके और डिलीट। तो इससे हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और ये बेसिक इंसर्ट और डिलीट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये स्टार्टिंग में ही ज़रूरत पड़ सकती है। आप कोई लिस्ट टाइप कर रहे हो, डेली सब्ज़ी क्या खरीदनी है उसके लिस्ट टाइप कर रहे हो, और उसमें आपको याद आया कि मेरे को अगर प्रायोरिटी में करना है तो मेरे को ये बीच में ऐड करना है, तो मैं वहाँ पर ऐड कैसे करूँ? आप इस तरीके से कर सकते हो। जिस तरह से हमने इंसर्ट रो करा, उसी तरीके से हम इंसर्ट सेल कर सकते हैं। आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे ही राइट क्लिक करूँ तो इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन मेरे को दे रहा है शिफ्ट सेल्स टू द राइट, क्योंकि अब मैं सेल इंसर्ट कर रहा हूँ, तो जो भी डेटा है उसको राइट में शिफ्ट कर दे, उसको नीचे शिफ्ट कर दे। पूरी रो इंसर्ट करनी है या पूरा कॉलम इंसर्ट करना है, मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ से दिखाता हूँ। अगर मैं 100 पे क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करके शिफ्ट सेल्स टू द राइट कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखोगे वहाँ पे एक सेल शिफ्ट हो गया। जितना भी मेरा डेटा था वो सारा का सारा राइट में शिफ्ट हो गया। अभी मैं उसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के लिए एक ऑप्शन ऊपर आप देखोगे क्विक एक्सेस बार में, यहाँ पे ये है कंट्रोल अंडू जो एरो बना हुआ है, और उसके नीचे आप देखोगे तो लिखा रहा है कंट्रोल जेड। तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल जेड दबा कर भी अंडू कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, एक तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। अगला मैं आपको दिखाऊंगा अगर हमें फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज मैं इन सेल्स को सेलेक्ट करके, यानी शिफ्ट और एरो की दबाकर इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ अपने डेटा में, तो मैं एक तो यहाँ पे होम में जाके कर सकता हूँ, यहाँ से आके जो कलर सेलेक्ट हुआ हुआ है, या इसके साथ में एरो में दबाकर, अगर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा एक ड्रॉप डाउन खुल गया, वहाँ से मैं इसको अगर येलो करना चाहता हूँ तो मैं येलो करके और आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो शिफ्ट दबा के जब मैं सेलेक्ट करके अगर राइट क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे जो नीचे ऑप्शन मेन्यू तो खुला ही, बट ऊपर एक छोटा सा मिनी टूल बार भी खुल गया कि अगर मेरे को ऊपर होम पे ना जाना पड़े। इसमें आप देखोगे वही बोल्ड, इटैलिक्स, अलाइनमेंट, फिल, फॉन्ट कलर, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें मिल गई, तो मैं यहाँ से भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं कंट्रोल जेड दबा के अंडू कर रहा हूँ। अब मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम अंडू करते हैं, यहाँ टॉप लेफ्ट पे मैं एक बार आ जाता हूँ और आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे को इस एरो के साथ, अंडू के एरो के साथ, ये जो छोटा सा एरो दिखा रहा है
इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा ऑप्शन दिखा रहा है, जो जो कमांड्स मैंने करी, जो जो एक्शंस मैंने लिए उन सबको। इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आप ये नहीं कर सकते सेलेक्टिवली कि मेरे को, अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग 90 की बात करूँ कि सिर्फ ये हट जाए, आप यहाँ पे लाके क्लिक करोगे तो यहाँ तक कि जितनी भी एक्शंस आपने लिए सारे हट जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको करता हूँ तब देखोगे सारे के सारे एक्शंस अंडू हो गए। इसी तरीके से इसके साथ में ये रीडू है, रीडू पे मैं अगर आके क्लिक करता हूँ, एक बार क्लिक करूँगा एरो पे तो वो एक कमांड जो मैंने अंडू करी है उसको रीडू करेगा। और यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो क्योंकि सारी की सारी मेरी कमांड्स आ गई जो मैंने अभी अंडू करी हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके रीडू 18 एक्शंस करता हूँ तो फॉर्मेटिंग तक सारा काम हो गया। तो इसके अंदर अब मैं एक बार कंट्रोल जेड करके अपनी सिर्फ हाईलाइटिंग को हटा देता हूँ। और मैंने आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से हम अंडू रीडू करते हैं, किस तरीके से हमारे सारे एक्शंस होते हैं, क्या हमारा मिनी टूल बार होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नए वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपकी एक्सेल की कोई क्वेरी है जो इस वीडियो से पहले आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है आप नीचे कमेंट्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। इस सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।